दोस्तों आपका फिर से एक बार आरसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सॉल्व करूंगा 7.3 के हाई स्कूल के मैथ को। इसमें दोस्तों दिया दिखे जैसे कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में पीएस को क्यूएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चे, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एल्गोरिथम शब्द जो का विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, आप सुन के आप कहेंगे क्या कह रहा है, कुछ नहीं। जो आप पहले कक्षा में पढ़े हैं, 8 में 7 में पढ़े हैं, जो कि बीजगणित का भाग देना, बस सिंपली बीजगणित का भाग ही आपको देना है। लेकिन बच्चों, मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन बताने के बाद एक चीज़ मैं बताना चाहता हूं कि अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है तो ये समझ लीजिए कि जी एक्स से पी एक्स में भाग देंगे आप, अगर भागफल 0 आ जाता है तो लिखेंगे ये गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं करना है, इसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में, जैसे पहले में 3 क्वेश्चन दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा, इसको तो सिंपली आपको भाग देना है, भागफल और शेषफल लिखना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही चीज़ करना है, बस भाग देना है। तो उसमें पूछा है दूसरे नंबर में कि अगर भागफल 0 आ जाएगा, चलिए बता रहे हैं, इसी को पहले बता दे तब चल रहे हैं, तो भाग देना है तो पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देना है। तो भाग देने का वही तरीका है जो आप लोग पढ़े हैं। देखिए एक्स पर क्यू 3x² 5x-3 x² -2 बहुत ही आसान तरीका से आपको मैं भाग बता रहा हूँ, और हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह और शक नहीं है। चलिए पहले देखिए, इसमें पहले अक्षर को देखिए, इसमें क्या लिखा है, इस पर क्या घात है, 3 घात है, इस पर क्या घात है, 2 घात है। तो पहले हम घातों की तुलना करते हैं, 3 और 2 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, बस हम 1 घात लिख देते हैं, 1 घात छिप जाता है हमारा, जितने का अंतर उतना लिख देते हैं। जैसे 3x है, ये 2x है, कितने का अंतर, 1x का अंतर है ना, 1x लिख दे। अब क्या करते हैं, इसी x का हम इसमें पूरे में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, गुणा करिए, एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाए, 1x/3 घात, क्यों, क्योंकि गुणा करते समय घातों को जो ऐसी कर लीजिए, 1x² - 2 है, और बहुत आसान तरीका, 1x से गुणा करिए, 1x में गुणा करेंगे 1x/3 घात आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2x आएगा ना, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाए, 1x/3 घात, 1x में 2 गुणा करेंगे माइनस का हो जाएगा 2x। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं, देखिए घटाते समय बीजगणित का नियम होता है चिन्ह बदल जाता है, अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस चिन्ह छिपा क्या हो जाएगा माइनस। अब देखते हैं जो चीज हम लिखते हैं बाद में वही चीज़ का मतलब, देखिए x/3 घात है प्लस, यहाँ आगे प्लस चिन्ह छिपा है, यहाँ x/3 घात है माइनस, ये विपरीत चिन्ह का हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3x² है, यहाँ 2x है, तो घात समान नहीं है ना, तो जुटेगा ना घटे कुछ नहीं होगा, चिन्ह से -3 है ना, -3x² उतार लीजिए, यहाँ उतार लिया आपने, क्योंकि बड़ा घात वाला। अब देखिए यहाँ 1 घात, यहाँ 1 घात है, तो यहाँ +2 है, यहाँ +5, 5 2 कितना हो जाएगा 7, कोई संख्या कहीं से जोड़ घटा सकते हैं, -3 है, -3 उतार लीजिए। चलिए अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देख लीजिए, अब देखिए यहाँ 3 है ना, इसके आगे 3 नहीं है, यहाँ 3 ले दीजिए। अब देखिए x/2 घात है, यहाँ x/2 घात है, बराबर है तो उसको छोड़ दीजिए। अब इसी 3 का इसमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा करिए, तो गुणा करेंगे यहाँ x² - 2 में 3 का गुणा करेंगे माइनस का, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा -3x², इसका गुणा को यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, घटाएंगे आप, चिन्ह का हो जाएगा बदल जाएगा माइनस प्लस, देखिए -3x² और +3² अंक समान है, चिन्ह का है विपरीत, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ देखिए एक्स पर सबसे बड़ा घात एक्स है ना, तो 7x उठाल लिए, देखिए ए प्लस था, हम माइनस लिखे हैं ना, तो माइनस लेंगे, तो -3 और -6 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 घात है, यहाँ क्या घात है, 1 घात है, 1 चाहे छोटा हो गया, 1 का हो गया बड़ा हो गया, तब हमारा भाग अब नहीं जाएगा, अब यही का कहलाएगा, अतः भागफल कितना हो गया, यही ऊपर भागफल कहलाते हैं -3, और शेषफल का हो जाएगा, शेषफल
सेवन एक्स माइनस नाइन। देखिए इसी क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ कि जब क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे हम तो उसमें यही पूछेगा कि पी एक्स में क्यू एक्स से भाग दीजिए और बताइए क्या गुणनखंड है। तो अगर शेषफल जीरो आ जाते हैं तो लिखेंगे अतः गुणनखंड है, अगर जीरो नहीं आता तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, वो क्वेश्चन में किस में करना है, दूसरे में करना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आप अपने आप से करिएगा। चलिए अब पहले का है क्वेश्चन, पहला का ही क्वेश्चन और पहला का ही दूसरा है। यहाँ भी दिया पी एस का मान एक आ क्यू, यहाँ भी क्या करना आपको भाग देना, भागफल और शेषफल ही बताना है। तो चलिए भाग दीजिए, ये पी एक्स है ना, एक्स पर के घात हो जाएगा फोर, यहाँ का हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा फोर एक्स प्लस का हो जाएगा फाइव। यहाँ क्या है देखिए, यह करके इसको लिख सकते हैं आप सुविधा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इससे भाग देना आपको। बस तरीका एक ही है कि पहला अच्छा इसमें देखिए, पहला को इसमें देखिए, इस पर क्या घात है चार घात है, इस पर क्या घात है दो घात, दोनों किना का अंतर है दो घात का ना, एक्स पर दो घात का अंतर लिख दीजिए। अब इसी का इसे पूरा क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे ना एक्स पर फोर घात हो जाएगा, होगा ना। इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा एक्स पर तीन घात हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। अब घटाइए, अब गुणा करने तो बताए दिए आपको हम, घटाए फिर क्या होता है बदल जाता है। चलिए तो प्लस ये क्या माइनस का हो गया कट गया, आप कक्षा आठ में पढ़े होंगे। देखिए ये थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, देखिए घात कहीं देख लेते हैं तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर दो घात है, देखिएगा ये प्लस है माइनस वाला लेंगे तो माइनस तीन माइनस से कितना हो जाएगा, यहाँ एक छिपा रहता है ना तो तीन एक कितना हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर। अब देखिए उसके पहले अगर अच्छा सबसे बड़ा घात देख लें तीन आ रहा है तो एक्स पर तीन घा लिख सकते हैं, यहाँ प्लस चीज छिप जाएगा और तीन एक कितना हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस फोर एक्स प्लस फाइव बचा है। अब फिर देखिए पहला अच्छा इस पर तीन घात है, इस पर क्या घात है दो घात, कि यहाँ प्लस चीन छिपा है ना तो यहाँ प्लस लिख दिए, कितना एक घात का अंतर है ना तो एक एक्स हो जाएगा क्योंकि एक का अंतर है ना। अब फिर इसका इसी उसमें गुणा करें तो एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो एक्स पर तीन घात हो जाएगा, इसका एक्स में गुणा करेंगे तो क्या ना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका एक्स में गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा एक्स हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम घटाना चिन्ह बदलेंगे, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। अब देखिए फिर यहाँ एक्स पर तीन घात प्लस है, यहाँ एक्स पर तीन घात है नीचे का माइनस, ये विपरीत का हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर दो घात है यहाँ भी दो घात है लेकिन ये प्लस है क्या माइनस, तो चार में से एक चल जाएगा, यही छिपान है तो चार में से चल जाएगा क्या बचेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर बचेगा, क्यों क्योंकि माइनस है क्या प्लस है, तो वही चिन्ह होते जिसकी संख्या अधिक होती है, तो यहाँ एक छिपा है इसका प्लस है इसका माइनस है तो चार ज़्यादा है ना इसीलिए माइनस लिखे हैं, और चार में से एक निकल जाएगा क्या हो जाएगा माइनस तीन। अब देखिए यहाँ चार एक्स है यहाँ एक एक्स है तो ये प्लस एक या माइनस, चार में से एक निकल जाएगा क्या बचेगा प्लस तीन एक्स बचेगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है प्लस फाइव। अब चलिए यहाँ माइनस है माइनस चीन, यहाँ तीन है तीन नहीं है ना तीन उतारी, यहाँ देखिए घात बराबर हो गया तो एक्स को छोड़ दीजिए, तीन का इसमें गुणा करिए हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस गुणा का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तीन एक नौ तीन एक्स प्लस माइनस गुणा करेंगे तीन एक नौ तीन। चलिए अब फिर क्या करेंगे हम चिन्ह माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, चिन्ह हम बदल देते हैं। देखिए यहाँ घात समान है ना और अंक भी समान है क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ क्या माइनस भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये देखिए पाँच तीन कितना हो जाएगा आठ, यही है देखिए एक ज़्यादा कम हो गया ना, अतः भागफल कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन तथा शेषफल, तथा शेषफल का हो गया आठ हो गया। दोस्तों हम आपको पर्सनालिटी 2.3 के भाग बता दिए, उसमें तीन क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ आप बताइएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर दो पर चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर दो में एक क्वेश्चन आप बुक में देख लीजिए, जिसमें लिखा है कि भाग दीजिए और बताइए पी एक्स क्यू एक्स का मतलब गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए भाग देने को मैंने आपको बता दिया है और दो क्वेश्चन मैंने आपको भाग बताया है और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर लगा लेंगे तीसरा क्वेश्चन, ये आपके लिए है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें उम्मीद है आपको पक्का ही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल आप लोग लगा लिए होंगे पहले का तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है,
बस भाग ही देना है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और दो आपके लिए छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि भाग ही देना है बस। अगर भागफल शून्य आ जाएगा, शेषफल शून्य आ जाएगा तो गुणन लिखेंगे गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो लिखेंगे गुणनखंड नहीं। तो इसी में क्या बचा है? दो भाग बताए, एक और बता देना, तीन ठो जा रहा है अब पूरा सब कुछ यही है। चलिए इसी में इसको हम भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा 2t/4, 3t/3, 2t² - 9t। अब फिर भाग दीजिए t² - 3 से, इसी को भाग देना है बस। सिंपली जिसे हम आपको भाग बताए हैं इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मिटाने जिससे थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा हम लोग का, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए तो यहाँ देखिए यह दो है, यहाँ दो नहीं है ना, यहाँ दो लिख दीजिए बस। ये फोर घात यहाँ क्या है, टू, कितना का अंतर है, टू का अंतर है ना, यानी टी पर के घात हो जाएगा टू का। अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा टू अदू घात के घात हो जाएगा चार घात, क्योंकि गुणा करते समय घातों की हम जोड़ते हैं। फिर द्वितीय कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा, और टी पर टू घात, क्योंकि यहाँ टी नहीं है, यहाँ प्लस माइनस गुणा का होता, माइनस ही होता। अब घटाइए, चिन्ह बदल देते हैं, 2t/4 अंक समान है, चिन्ह का विपरीत का हो जाएगा, खलनास कट गया। अब देखिए यहाँ तीन घात का है, तीन घात है नहीं है ना, तो 3t/3 घात उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस चिन्ह छिप जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ टू घात है, यहाँ भी टू घात है, तो यहाँ प्लस है, क्या है, माइनस, तो छः मौ से दो चल जाएगा, +4t² बन जाएगा, बचेगा ना किनका बचा, 9t 12 हो गया। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ प्लस चिन्ह छिपा ना, यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब देखिए तीन घात यहाँ का दो, कितना का अंदर, एक का है ना, एक टी लिख दें हम। चलिए फिर इसी काम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक छिपा रहता है ना, तो 3 × 9 3, एक घात दो घात के घात हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि गुणा करते समय हम घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ प्लस प्लस माइनस गुणा हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, 3 × 3 = 9 टी ही बचेगा। अब घटाएंगे चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा, देखिए ये समान चिन्ह का अभी कट गया। अब देखिए 9t यहाँ है, प्लस एक या माइनस या अपने आप कट जाएगा, बचा क्या, 40² = 12। अब देखिए यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ भी टी स्क्वायर है, यहाँ तो टी का मतलब खत्म है, यहाँ प्लस चिन्ह छिपा है, यहाँ प्लस, यहाँ चार है, यहाँ चार नहीं है, चार लिख दीजिए बस, 4 × 9 = 4t² और 4 × 3 = 12। घटाते समय चिन्ह का होता है, बदल जाता, एक का हो गया कट गया, एक माइनस से प्लस भी कट गया, शेषफल का आ गया 0, अतः शेषफल का है 0 है, 0 है, अतः का है, अतः गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है। तो बच्चे हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा, और आप इस हिसाब से आप दो क्वेश्चन जो छोड़े हैं, पहले में एक क्वेश्चन और दूसरे में दो, वो ये दोनों भाग ही है, बस शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो लिखेंगे गुणनखंड है, और शेषफल नहीं 0 है लिखेंगे गुणनखंड नहीं है बस। अब इसके बाद मैं अगले वीडियो में जो बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें मैं बताऊंगा अगर मूल दिया रहेगा तो कैसे हम, और दो मूल दिया रहे, तीन मूल दिया रहा, उसमें बताएंगे हम मूल दिया है और समीकरण बनाना और कैसे भाग देंगे। ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है, तब तक लिए धन्यवाद।